आदरणीय राजपाल जी महोदय, माननीय मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के, श्रीमती अनीता बदेल, माननीय राज्य मंत्री महिला और बाल विकास विभाग के, माननीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग के श्री सुंदरलाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक परनामी जी, जयपुर के सांसद रामचरण जी बोहरा और जयपुर के महापौर लाहौटी जी, जयपुर के प्रमुख श्री मूलचंद जी मीणा और मोहन जी गुप्ता, हमारे किशनपोल क्षेत्र के विधायक और सब उपस्थित यहाँ इस सभागार में आज के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम के लिए सब आए हुए महानुभाव, मेरा आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले अरुण जी ने आपके सामने इस बात को रखी है, परंतु मैं आज हमारे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के जो समाज के प्रति संविधान के प्रीएम्बल के अंदर लिखा जा गया था, उसको आपके सामने थोड़ा सा उद्धृत करके मैं चाहती हूं कि एक दफा याद दिलाऊं। कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने एक ऐसे देश का संविधान बनाया, फॉर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड जिसको कहते हैं, आज नाम रोशन करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और एक ऐसा संविधान आपके सामने रखा। मैं नहीं जानती कि कितने लोग उसको पढ़े हैं, परंतु अगर उसके प्रीएम्बल को ही आप लोग देख लें तो आप ये देख लोगे कि समय की कसौटी पे पूरी तरह से ये सही उतर पाया है। ये आसान नहीं है, क्योंकि कितने साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, परंतु आज भी आप देखोगे तो जितना फ्रेश तब था उतना ही फ्रेश आज भी है। सो याद दिलाऊंगी, We the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure for all its citizens. मैंने उन्हें ये कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ हम चाहते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये सब चीज हर एक भारत के नागरिक को मिले। इसलिए उन्होंने ये कहा कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 टू हियर बाय अडॉप्ट, इनएक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक को ये मौका मिले। वो पहले वो माने बड़े व्यक्ति थे, महानुभाव थे, जिन्होंने ये तय किया कि समाज का सुधार जरूर होना चाहिए। विधि के अंदर उन्होंने अपने माने विद्वान माने जाते थे और अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता होने के नाते उन्होंने ये तय किया कि मानव अधिकार की रक्षा अपने को करनी है और सबको समान भाव से मौका मिलना जरूरी है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बात को ले जाने का काम उन्होंने किया है, और उन्होंने माना कि अगर हर एक नागरिक सशक्त हो जाता है तो आने वाले समय के अंदर देश के अंदर शक्ति आएगी और देश भी बहुत सशक्त हो जाएगा। ऐसा सोचने वाला उस समय, ऐसा प्रीएम्बल लिखने वाला, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला मैं नहीं समझती हूँ कि इतने आसानी से हमको मिल सकता था, और इसलिए आज हम सब उनके 27वीं जयंती पे यहाँ उनके सामने शीश नवाने के लिए उपस्थित हुए। उनकी यादगार में आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपन याद करते हैं जिस व्यक्ति ने इस देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। आज मैं आप लोगों को इतना ही याद दिलाना चाहूंगी कि उन्होंने खाली जातियों के अंदर, लोगों के अंदर समानता लाने की कोशिश नहीं की,
उन्होंने ये भी सोचा कि महिला और पुरुष के अंदर फर्क होने की जरूरत क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भेदभाव महिला और पुरुष के बीच में उसके पूरे तरीके से वो खिलाफ थे, और महिलाओं के अधिकार के लिए उनके द्वारा लाया गया जो हिंदू कोड बिल संसद में पारित नहीं हुआ तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। अब कौन करता है? उन्होंने ये कहा कि जो सपना मैंने देखा था उसको मैं नहीं पूरा कर सका तो मेरा कोई इस कुर्सी पर बैठने का भाव नहीं है। वो उस पे से उतर गए, और उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी समाज की प्रगति को उसकी महिला की प्रगति के साथ आंकता हूं। जस्ट इमेजिन, उस समय उन्होंने इस बात को कही थी। आज भी हम लोग स्ट्रगल करते हैं। मैं कहना चाहती हूं, आप ये सोचें कि महिला वर्ग जो भी है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो किसी भी काम में लगी हो, उसे मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत आप सबके सामने, उन्होंने ये कहा उस समय, ये कहा कि मुझे मालूम है कि घर में मेहनत, काम पे मेहनत, ये मेहनत करना महिला को पड़ता है, और जिस दिन आपने उसको समाज के में बराबर बना दिया उस दिन वो समाज पूरी तरह से सशक्त हो जाने का उसका काम हो जाएगा। मैं धन्यवाद उनको देना चाहती हूँ महिला होने के नाते आज के दिन कि उन्होंने हम सब का ध्यान उस समय किया और हमको सबको एकता देने का काम उन्होंने तब से शुरू किया। मैं समझती हूँ कि आज भी उनको महिला समाज याद करता है, क्योंकि उन्होंने हमारे बारे में ध्यान रखते हुए इतने दिन पहले इस बात को आगे ले जाने का काम किया था। अब एक चीज मैं आप लोगों को सबको ये कहना जरूर चाहूंगी कि ये इलेक्शन का साल है, और जब इलेक्शन का साल आ जाता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करना, कहना, सोचने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सालों साल से लोगों के बीच में डिवीजन करके ही अपने को आगे बढ़ाने का काम किया है, और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि भाई कुछ पिछले कुछ दिनों के अंदर सुगबुगाहट सुनने की कोशिश हुई है, क्योंकि वही है, 6 महीने बाकी हैं और काम तो अब शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से लोगों के बीच में डिवीजन लाया जाए। मैं इसलिए ये सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो ये सुगबुगाहट सुनी थी वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण को खत्म कर दे। जिस चीज को बाबा साहब अम्बेडकर ने तब बात की थी कि सबको समानता देने की हम कोशिश करते हैं, उस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने आज दिन तक कभी भूला नहीं। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ना आरक्षण समाप्त होगा, ना आरक्षण को समाप्त करने हम किसी को देंगे। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं आगाह करना चाहती हूँ उन लोगों को कि जब से देश आजाद हुआ है आपने हमेशा एससी और एसटी का शोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु जब चुनाव आ जाता है तो एकदम से सबकी याद आ जाती है और कई ऐसी बातें कहने को मिलता है जिससे लोग सोचते हैं कि मन में आदमी भूल जाए, परंतु कोई ये नहीं भूल सकता है कि भला कभी हुआ नहीं है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि एससी और एसटी के लोगों ने हमारे लोगों को बहुत प्यार दिया है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि 34 में से 32 विधायक हमारे एससी के हैं और सांसद के अंदर 25 के 25 तो अपन जीते ही हैं, परंतु उसके साथ एससी के हमारे 4 हैं और एसटी के हमारे 2 हैं। राज्यसभा के अंदर हमारे 1 एससी का है, 1 एसटी का है। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर हमें जान लगाने की ज़रूरत क्यों ना हो, हम उसको भी करने को तैयार हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ समाजों को और ये समाज को समानता पे लाने का काम हम करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। और राजनीति हर चीज़ के अंदर हम लोग नहीं समझते हैं कि लाने की ज़रूरत है। राजनीति ऐसा काम हो गया है कि सबको अलग अलग करने का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। और मैं समझती हूँ कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तब कहा था कि 36 के 36 कौम को साथ लेके चलने की समय जरूरत है, उन्होंने तब कहा था कि सबको समान अगर हम बनाएंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। जब एक व्यक्ति को मान मिलेगा तो हमारे देश को मान और सम्मान मिलेगा। इस चीज को हमें ध्यान देने की जरूरत है।
आज उनके चरणों में, उनके कदमों में चलते चलते हम लोग सबने ये सीखा है कि 36 के 36 कौम जब एक साथ होंगे, जब उनका एक दूसरे के ऊपर विश्वास और प्रेम होगा, तो जहां ये होता है वहां मोहल्ला, वहां क्षेत्र, वहां प्रदेश को कोई पीछे कर नहीं सकता है। वो प्रदेश आगे बढ़ेगा और नाम कमाएगा और मान और सम्मान अपने नागरिकों को देने का काम करेगा। आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनको नमन करना चाहती हूँ और उनको याद करना चाहती हूँ कि कितने साल पहले उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम सबके बीच में एक सौहार्दता का वातावरण, एक प्यार का वातावरण फैलाने की उस समय भी कोशिश की थी। ये कोशिश जारी रहेगी। सबको साथ लेके चलने का काम हम ही नहीं, हम सब करेंगे। और मैं ये विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि अगर हम प्रेम से चलेंगे तो राजस्थान आगे चलेगा, आगे चलेगा और आगे चलता ही रहेगा। इस चीज को ध्यान रखें आप उस दिन को, जिस दिन उनकी जयंती का पर्व है, उस पर्व को हम उनको याद करते हुए इन चीज को ध्यान रखेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हम कई दिनों से देखते आ रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सम्माननीय कल्याण सिंह जी ने वहाँ दो हॉस्टल्स का इंतजाम किया है और साथ साथ लाइब्रेरी वहाँ खुल गई है और एक और हॉस्टल का भी इंतजाम हम लोग वहाँ करने जा रहे हैं। टोटल करीबन 10 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करने वहाँ जा रहे हैं। अभी काफ़ी काम हो चुका है, काफ़ी काम और होगा, क्योंकि जो सपना हमने देखा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो भी लेख हैं या जो भी रिसर्च उनके बारे में दूसरे लोगों ने किया है, वो एक ऐसी लाइब्रेरी बने जिसमें शोध करने के लिए बाहर से लोग आए, जो वहाँ रहें, उसको पढ़ें, उसको समझें कि ये कितना विशाल व्यक्तित्व है हमारे बीच में। अगर हम ही लोग इसको नहीं समझ पाएंगे तो आगे दूसरे आदमी तक कैसे पहुँचाने का काम करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है जिसको आज हाथ में लिया गया है और इसका आने वाले समय के अंदर बहुत इसका फायदा हम लोगों को यहाँ मिलेगा। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अंदर मैं याद दिलाना चाहूंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें अपन रह गए, पर इसमें जो अनुदान हम लोग देते हैं उद्योग लगाने के लिए एससी और एसटी के लिए, उनके लिए हमने ये कहा कि 4% से उसको बढ़ाकर अब 8% अपन कर लें। तो इस योजना के अंदर जो भी इंडस्ट्री या उद्यम लगाने की कोशिश करता है उसको 5 लाख से बढ़ाकर अब उसको 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। मैं समझती हूँ कि ये उनको फायदा देने का काम करेगा। और हाँ, मैं सबसे पहले सबको बधाई देना चाहती हूँ जिनको आज प्राइजेस मिले हैं, क्योंकि वाकई में उन्होंने अच्छा काम किया है जिसकी वजह से उनको यहाँ तक हम ले जा सके हैं। इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनके लिए जो ऋण राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर अब हम लोगों ने 25 लाख तक ले जाने का काम किया है। और मैं सबको कह रही हूँ कि एससी के जो हमारे भाई हैं या एसटी के हमारे भाई हैं, इसको जरूर हाथ में लें और आने वाले समय के अंदर इसको बढ़ाने का काम करें, क्योंकि ये पैसा है, इसको इस्तेमाल अपने को करने की जरूरत है। एससी की जो हमारी महिलाएं हैं, हमने उनके लिए सोच कर, क्योंकि हम मानते हैं कि कठिनाई हर वर्ग के अंदर महिलाओं को होती है, इसलिए हमने कहा कि अगर पक्ष में अचल संपत्ति के जो आपके ये ट्रांसफर डीड, अगर अचल संपत्ति के ट्रांसफर डीड पर जो आप महिला के नाम पर अगर कर देते हो अपने घर की महिला के नाम पर, तो उसको स्टैंप शुल्क कम करके 3% हम कर देंगे। तो सब लोग थोड़ा सा इनकरेज हो जाएं अपनी महिलाओं के ऊपर विश्वास करके और उनके नाम पर अपने ट्रांसफर डीड में करने का काम करें। छात्रावास में जो रहने वाले हमारे ऐसे छात्र हैं, IITs, IIMs, आई नो आप लोग सब भी सोचोगे हमारी महिलाओं को इतना वो दे, पर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा कद बढ़ाने का काम हमारी महिलाओं का भी हम सबको मिलकर करने की ज़रूरत है। और इसलिए IIT, IIM, लॉ, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर आप टेक्निकल एजुकेशन या मेडिकल एजुकेशन लेना चाहते हो, तो जयपुर और कोटा शहर के अंदर जो कोचिंग की आप लोगों ने बात की है वो निःशुल्क, पूरी तरह से निःशुल्क आप लोगों को वहाँ मिलने का काम होगा। और जो एससी विद्यार्थी को अंबेडकर फेलोशिप अपन दे रहे हैं,
वहाँ 5.5 लाख रुपीज उसको मिलेगा और उस पर फिर आगे चल के वो रिसर्च भी कर सकता है। और इसी तरीके से इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के अंदर 25 लाख जो अभी अरुण जी ने बताया था उसमें 25 लाख रुपए मिलेंगे। तो मैं इनकरेज करना चाहती हूँ उन लोगों को, जिस तरीके से बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ के आए और यहाँ वापस आके उन्होंने देश के लिए कितना बड़ा काम किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग हैं, परंतु हो सकता है कि हम इन सब के बीच में हमारे यहाँ भी कोई ऐसा होगा जो आगे पढ़ लिख कर वापस आकर राजस्थान को ही नई देश को नई दिशा देने का काम कर सकेगा। तो हम चाहते हैं कि आप प्लीज इसका यूज करिए और पढ़िए लिखिए, उसमें आगे आइए और इस 25 लाख का मैंने पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। इसी तरीके से अभी एससी के कृषकों को करीबन 10,000 करोड़ का अल्पकालीन ऋण वितरित हुआ है और बहुत बड़ा काम है वो। और ऐसी परिवारों को करीबन 2 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको अभी पट्टे जारी करने का काम हम लोगों ने किया है और वो भी अब चलता रहेगा। आप मुझे बहुत खुशी है और आज मैं बधाई उन लोगों को देना चाहती हूँ जिनके ऋण 2 लाख के नीचे थे और जिनको ऋण अपन ने माफ़ किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने खुश लग रहे थे, मुझे लगा कि ये इतना बड़ा बोझ उनके परिवार पर हो जाता, आज उनको ये बड़ा बोझ अपने कंधे पर लेने की ज़रूरत नहीं हो रही है और वो आगे उसको ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारा आप लोगों को बधाई, बहुत सारी बधाइयाँ, और ये पहली दफ़ा अपने इस प्रदेश के अंदर हो रहा है। इसी तरीके से अगर 2000 वर्ग मीटर तक के ग्रीन हाउस और शेड नेट उसके ऊपर 50% या अधिकतम आप 10 लाख तक के एक इकाई का अनुदान ले सकते हो, उसका भी फायदा आपने को लेना चाहिए। और अगर कस्टोडियन कृषि भूमि है उसके ऊपर कोई काबिज है ऐसी, तो लघु और सीमांत किसान अगर वो है तो सिंचित भूमि के आवंटन की तरह 12.5% से घटकर अब उसको 5% करने का काम हम लोगों ने किया है, तो उसका फायदा भी बहुत बड़े तरीके से अलॉटमेंट रेट्स के द्वारा हमारे विभाग को मिल सकता है। मैं इसके साथ साथ कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर दिशा अगर दिया है तो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने, हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष ने, हमारे सर्विसेज कमीशन के भी अध्यक्ष ने, और कुछ समय पहले RPSC के अध्यक्ष ने भी, जो आज हमारे पहले स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के अब अध्यक्ष बने हैं, वाइस चांसलर बने हैं। मैं समझती हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारे में से बहुत सारे और लोग उस दिशा के अंदर आएँ और अपने परिवार का, अपने इस राजस्थान के परिवार का गौरव बना के काम कर रखें। कुछ कुछ इस उपलक्ष्य में मैं कुछ घोषणाएँ और भी करना चाहूँगी। एक तो आज आप सबको मालूम है कि नगरपालिका अंबेडकर भवन बन रहे हैं, तो आज जैसे अपन यहाँ बैठे हैं वैसे मैं समझती हूँ कि जगह जगह पर MLAs मंत्री अभी वो अंबेडकर भवन की शुरुआत का काम चालू कर रहे हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर वो इतने सुंदर और अच्छे बन जाएं कि आप लोग जब वहाँ जाओगे आपका मन लगेगा कि उसमें जाएं, उसमें शादियाँ करें, उसमें कार्यक्रम करें। और मैं ये समझती हूँ कि आने वाले समय के अंदर बहुत खूबसूरती से बन जाए वो और आपका गौरव भी जब आपका कार्यक्रम वहाँ होता है वो भी बढ़े। और इसीलिए 190 ऐसे नगर पालिकाएँ हैं जहाँ ये आज जिनका शिलान्यास होने जा रहा है। और इसके साथ साथ ही हम करीबन 21,136 सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती की घोषणा हमने की थी, मुझे बताते हुए खुशी है कि आज भर्तियों की विज्ञप्ति और 14/4 हमने डेट भी चूज़ की थी, इसीलिए चूज़ की थी क्योंकि आज के दिन उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत है कि इसी दिन हम 14/4 को ये विज्ञप्ति जारी करने जा रहे हैं। आज जो विज्ञप्ति जारी हो गई है तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा। और सो बहुत ही जल्दी आपके 21,136 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी मिल जाएंगे। और इससे न केवल मेरा मानना है कि स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा, परंतु नगर पालिकाओं के संसाधन भी बढ़ेंगे और शहर में, हाँ पर आप शहर में स्वच्छता लाने का काम भी पूरी तरह से जुट के करोगे, यही मेरा विश्वास है। इसके साथ साथ हम ये मानते हैं कि आज
राज्य में युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से 1,35,000 भर्तियों की हम लोगों ने घोषणाएं की हैं और वो चल रहा है। उसको आप रोज अखबार में पढ़ते भी होंगे और मैं समझती हूँ कि तैयारियां कर करके आने वाले 6 महीने के अंदर मैं चाहती हूँ कि इनके एग्जाम्स वगैरह सब हो जाए, सभी युवा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अनेक भर्तियों के अंदर भाग ले सकें, ऐसी परिस्थिति बन जाए। इस अवसर पर मैं ये घोषणा और एक करना चाह रही हूँ कि जो युवा हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख माने 2.5 लाख रुपए हैं और उससे कम हैं, तो उनको एग्जामिनेशन फॉर्म्स, ये सब चीज़ों की एग्जामिनेशन फॉर्म्स की एक फ़ी होती है, तो चाहे वो SC हो, ST हो, महिला विशेष दिव्यांग अभ्यर्थी, ये सब सवर्ण कास्ट के लोगों के भी जो लोग हैं जो 2.5 लाख से कम हैं जिनकी आय, उनको इस एडमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस भी उसी बराबर हो जाएंगी ताकि सब लोगों को भाग लेने का एक मौका मिल जाएगा। एक और हम लोगों ने इसमें एक योजना दी है कि उद्योग जिनमें उत्पादन दिनांक 1 मई 2018 से पहले प्रारंभ हुआ है, इसके पहले जो चालू हुआ है, और जिनको दिस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या कस्टमाइज पैकेज 1 मई 2018 से पूर्व हम लोगों ने जारी कर दिया है, उनके लिए वर्तमान में दिया जा रहा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी जो है उसकी व्यवस्था लागू तो रहेगी, परंतु ऐसे ऐसे उद्योगों को एक नई व्यवस्था के अनुरूप एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी के अंदर विकल्प की सुविधा भी प्रदान करने जा रहे हैं। और विकल्प ये है कि राज्य में SC ST महिला दिव्यांग के मूल निवासी जो भी हैं उनको 1 मई 2018 या इसके बाद जो कमर्शियल प्रोडक्शन प्रारंभ होगा, ऐसे उद्योग के अंदर एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी की एक नई व्यवस्था लागू करने का काम हम लोगों ने किया है। मैं उसके पूरे आपको डिटेल्स अखबार में तो आ ही जाएगा, परंतु मैं इसमें कह रही हूँ कि इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान के जो मूल निवासी को अधिक संख्या से नियुक्त कैसे किया जाए, तो जहाँ जहाँ अपन जाते हैं वहाँ लोग कहते रहते हैं कि बाहर के लोगों को ले रहे हैं फैक्ट्रीज, हमारे क्षेत्र के और हमारे प्रदेश के लोगों को लेने की ज़रूरत है, और उसको ध्यान में रखते हुए जिनको अधिक संख्या में जो जो लोग लेंगे, अगर रिप्स 2010 और रिप्स 14 के अंतर्गत उद्योग में रोजगार की सब्सिडी हम उनको अनुपातिक रूप से देंगे, तो अगर वो पैकेजेस के साथ साथ अच्छा माने लोगों को राजस्थान के लोगों को लेना काम कर देते हैं तो उसके अनुपात में हम उनको उसकी सब्सिडी देने का काम करेंगे, सो ही गेट्स मोर सब्सिडी अगर राजस्थान के लोगों को वो लेता है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंकरेजमेंट उनको भी मिले कि राजस्थान के ज़्यादा लोगों को हम लेंगे तो हमारा भी फायदा इस तरीके से सरकार करेगी। देन राज्य के जो बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड एरियाज हैं उसमें जो उद्योग लगाए जाएंगे, SC ST महिला दिव्यांग की श्रेणी के जो उद्योग, एग्रो प्रोसेसिंग एग्रो मार्केटिंग सेक्टर के उद्योग, राजस्थान के मूल निवासियों के लिए एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 45,000 से बढ़ाकर हमने अब 75,000 करा दिए, तो आप जो भी उद्योग खड़ा करेगा अगर राजस्थान का आदमी लेगा तो 45,000 की बजाय उसको 75,000 रुपीज़ सरकार देगी, तो मैं समझती हूँ कि इसका फ़ायदा भी हमारे बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा। प्रतिवर्ष कर्मचारी की वजह से उनको मिलेगा। अन्य श्रेणी में जो उद्योग में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए सब्सिडी 40,000 से लेके इसको 70,000 तक हम ले जाने का काम करते हैं, तो राजस्थान का व्यक्ति कोई भी होगा उसको फायदा यहाँ भी मिलेगा। इसी क्रम में राजस्थान के मूल निवासी जो SC ST महिला दिव्यांग की श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको प्रत्येक कर्मचारी के लिए हमने ये एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी दे दी है 5,000 की, तो आखिर में उसको करीबन 85,000 मिलेगा अगर 100% वो ले लेता है। सोचो अगर 100% वो ले लेता है उसमें 15% से ज़्यादा भी वो अगर लेता है SC ST का तो उनको 85,000 पर व्यक्ति मिलने का काम हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि जो भी उद्योग में है वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम राजस्थान के लोगों को और SC ST को लेने का काम करेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य के अंदर भी कुछ दिन पहले सत्य साई ट्रस्ट का एक कार्यक्रम हुआ था और मुझे उन्होंने वहाँ बुलाया था। उनका राजकोट के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ वो छोटे छोटे बच्चों का ऑपरेशन, हार्ट ऑपरेशन करते हैं,
तो वहां उन लोगों ने मेरे को ये दिखाया कि हम ये ऑपरेशन कंप्लीटली फ्री इन मोस्ट मॉडर्न सर्कमस्टेंसेस, मोस्ट मॉडर्न मशीनरी के अंदर करते हैं, इतनी साफ सफाई के साथ, और डॉक्टर्स अपना समय उसके लिए देते हैं। तो